कोरोना महामारी के दौरान कृषि विभाग के द्वारा जो लोगों को घर द्वार पर हिम ई कार्ट योजना चलाई गई है लाभकारी सिद्ध हो रही है। और योजना के तहत जिला के लोगों को घर द्वार पर पौष्टिक सब्जियां फल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अपने घर द्वार पर ताजी सब्जियां और फल मिल रहे हैं, जिससे लोगों को भी काफी सुविधा मिल रही है। जिला प्रशासन की इस पहल से स्थानीय स्तर पर किसानों की भी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। आगामी दिनों में समीपवर्ती जिलों से सब्जियां और फल खरीदकर हमीरपुर में लोगों को उपलब्ध करवाने की योजना है और इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। कृषि विभाग की माने तो गत 2 माह से शुरू की गई हिमकार्ट योजना से हमीरपुर के लोगों को पौष्टिक सब्जियां मिल रही हैं, तो इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर सब्जियां उगाने वाले किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। स्थानीय किसान अशोक का कहना है कि हिम ई कार्ट योजना से काफी लाभ मिल रहा है और सब्जियों को बेचने के लिए घर द्वार पर ही बाजार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ई कार्ट योजना के लिए जिला प्रशासन का आभार जताते हैं। जिला प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है। इसके तहत जो हमारी सब्जियां हैं हमें कृषि विभाग को हम वितरण कर रहे हैं और अच्छी इनकम हमें हो रही है। इसके माध्यम से हमें बाजार जो है घर द्वार ही मिल रहा है अपनी सब्जियों को बेचने के लिए। जिला कृषि उपनिदेशक कुलदीप वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विभाग ने हिम ई कार्ट योजना के तहत घर द्वार पर लोगों को पौष्टिक सब्जियां और फल पहुंचाने की योजना शुरू की है, जिसके बेहतर परिणाम आए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में साथ लगते जिलों से भी किसानों से सब्जियां और फल लाकर हिम ई कार्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा हिम ई कार्ट पर सब्जियां एवं फल बेचने उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसमें कृषक एवं उपभोक्ता दोनों को ही फायदा हो रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पौष्टिक हैं और लोकल सब्जियां अब फल उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिल रहा है। आगे हमारा ये भविष्य में ऐसी योजना है कि जो हमारे समीपवर्ती जिले हैं उनमें कृषकों से लोकल सब्जियां एवं फल खरीदकर इधर जो है वो अपने हमीरपुर में टाउन में उपलब्ध करवाई जाए।